प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं कक्षा प्रथम की हिंदी पुस्तक रिमझिम पाठ 9 बंदर और गिलहरी के प्रश्न और उत्तर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आप कृपया मेरे साथ बोलिए। हर प्रश्न और हर उत्तर को आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? पाठ 9 बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी, प्रश्न नंबर 1, पेड़ पर कौन बैठा था? बोलिए प्लीज, पेड़ पर कौन बैठा था? आपको प्रश्न भी मेरे साथ बोल रहे हैं और उत्तर भी बोल रहे हैं। उत्तर 1, पेड़ पर बंदर बैठा था। पेड़ पर बंदर बैठा था। प्रश्न नंबर 2, बंदर की पूंछ कैसी थी? बंदर की पूंछ कैसी थी? याद करो बच्चा। उत्तर 2, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। वेरी लॉन्ग, VERY, वेरी, LONG, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। प्रश्न नंबर 3, बंदर की पूंछ कहाँ तक लटक रही थी? बोलो प्लीज, अब उत्तर याद करेंगे। बंदर की पूंछ जमीन तक लटक रही थी। बंदर की पूंछ जमीन तक लटक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जमीन पर कौन उछल कूद कर रही थी? जमीन पर कौन उछल कूद कर रही थी? उत्तर 4, जमीन पर गिलहरी उछल कूद कर रही थी। प्रश्न नंबर 5, गिलहरी किसकी पूंछ पर चढ़ गई? उत्तर 5, गिलहरी बंदर की पूंछ पर चढ़ गई। शाबाश, गिलहरी बंदर की पूंछ पर चढ़ गई। प्रश्न 6, पूंछ पर चढ़कर कौन झूलने लगी? उत्तर प्रश्न उत्तर 6, पूंछ पर चढ़कर गिलहरी झूलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुदगुदी किसको हुई? प्रश्न नंबर 7, गुदगुदी किसको हुई? उत्तर याद करेंगे, गुदगुदी बंदर को हुई। गुदगुदी बंदर को हुई। प्रश्न नंबर 8, हंसकर कौन बोला? उत्तर 8, हंसकर बंदर बोला। हंसकर बंदर बोला। प्रश्न नौ, गिलहरी किसको झूला समझकर झूल रही थी? उत्तर याद करो बच्चों, गिलहरी बंदर की पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। प्रश्न
प्रश्न नंबर 10, पेड़ की डाली पर कौन चढ़ गई? पेड़ की डाली पर कौन चढ़ गई? उत्तर 10, पेड़ की डाली पर गिलहरी चढ़ गई। प्रश्न 11, गिलहरी हंसती हुई कहां चढ़ गई? उत्तर 11, गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक से गप्पें। गप नंबर 1, बंदर की पूंछ लंबी थी। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क, जैसे माताजी की साड़ी, जैसे सड़क, जैसे माताजी की साड़ी। गप नंबर 2, चूहे की पूंछ इतनी घनी थी। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, डेंस, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल, जैसे जंगल या जैसे बादल, जैसे बादल। अच्छे से याद करो, अच्छे से समझो, कॉपी में लिखना है। गप नंबर 3, भालू इतना मोटा था, भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि हाथी, जैसे हाथी। भालू इतना मोटा था जैसे कि व्हेल मछली, व्हेल मछली। गप होती है जो चीज हो ही नहीं सकती उसको गप कहते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। गप नंबर 4, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे हमारा 3 मंजिल का मकान। यस, जो कि हो ही नहीं सकता। अब गप नंबर 4, गप नंबर 4 हो गई। गप नंबर 5 पे आते हैं। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, बताओ आप, जैसे चींटी, जैसे मक्खी। और सोचो, बताओ, शाबाश। और किसी छोटी चीज का नाम बताओ, जैसे चाय की पत्ती का दाना। अब चलें गप नंबर 6, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी, जैसे इमरती। यस, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी, इमरती। और आप सोचो, लिखो। गप नंबर 7, कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मधुर थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद, जैसे शरबत, चीनी का शरबत। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी जैसे शहद। अब गप खत्म हुई, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगी, करके दिखाओ। रुमाल से क्या करोगे, पेंसिल से क्या करोगे, और फुट्टा, फुट्टा में से स्केल, स्केल से क्या क्या करोगे। हम लोग जो जो करेंगे वही लिखेंगे, गप नहीं मारेंगे, ठीक है। हम रुमाल से लिखेंगे, पेंसिल से, और फुट्टे स्केल से हम क्या क्या करेंगे वो हम लिखेंगे, ठीक है।
अब रुमाल से क्या करेंगे, आंख मिचौनी का खेल खेल सकते हैं, सिर पर रखकर गर्मी से बच सकते हैं, हाथ और मुंह पोंछ सकते हैं, और कोरोना से बचने के लिए मास्क के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी नाक और मुंह के ऊपर उसको बांध सकते हैं। पेंसिल से क्या क्या कर सकते हो, पेंसिल से हम इससे लिख सकते हैं, लिखते हैं, इससे चित्र भी बना सकते हैं। और स्केल से क्या क्या कर सकते हैं बताओ, स्केल से कागज पर रखकर स्कूल को, स्केल को कागज पर रखकर उससे पेंसिल की मदद से हम एक लाइन खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं। पेंसिल से हम लिख सकते हैं, पेंसिल से चित्र बना सकते हैं, फुट्टे से हम कागज पर लाइन खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न नंबर दो, तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, चावल, संतरा, केला, इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो बताओ, ये तो आप सोच के लिखो। कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, रोटी है, सब्जी है, दही है, आइसक्रीम है, आम है, सेब है, अंगूर है, पपीता है, आदि आदि, आप जो जो खाते हो सब लिख देना कॉपी पर, ठीक है बेटा। अब आपको बताना है गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, गिलहरी को तो जो मिलता है वो खा लेती है, मूंगफली के दाने मिलते हैं मूंगफली खा लेती है, पेड़ के सूखे छोटे छोटे फल गिरते हैं वो खा लेती है, दाल के दाने मिलते हैं तो वो भी खा लेती है, सूखे खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो भी खा लेती है, रोटी का टुकड़ा मिलती है वो भी खा लेती है, सूखी चीज जो मिलती है वो खा जाती है, कुतर कुतर कर खा जाती है, निबलिंग करके, निबल करके खा लेती है। अब आपको बताना है बंदर क्या क्या खाता है, क्या क्या खा लेता होगा, चना उसको बहुत अच्छा लगता है, मूंगफली उसको बहुत अच्छी लगती है, केला उसको बहुत अच्छा लगता है, संतरा, आम, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट इत्यादि खा सकता है, ठेले पे उसको जो मिलता है वो ही उठा के ले जाता है, ठेले पे जो मिलता है वो ही उठा के ले जाता है। अब बंदर के बारे में लिख देना अपने से, क्या क्या उसको अच्छा लगता है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में कौन कौन जानवर उछल कूद करता है और कौन कौन नहीं करता है, जो जानवर उछल कूद करते हैं उसमें गिलहरी है, खरगोश है, बिल्ली है, चूहा है और कुत्ता है, और जो जानवर उछल कूद नहीं करते हैं उसमें गाय है, शेर है, गधा है, हाथी है और ऊंट है। शेर छलांग मारता है लेकिन उछल कूद नहीं करता है। अब मैं आपसे इस पाठ के प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, पाठ 9 बंदर और गिलहरी, उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 1, पेड़ पर कौन बैठा था, बोलो बच्चों उत्तर दो, पेड़ पर कौन बैठा था, प्रश्न नंबर 2, बंदर की पूंछ कैसी थी, बंदर की पूंछ कैसी थी, प्रश्न नंबर 3, बंदर की पूंछ कहां तक लटक रही थी, प्रश्न नंबर 4, जमीन पर कौन उछल कूद कर रही थी, जमीन पर कौन उछल कूद कर रही थी, प्रश्न नंबर 5, गिलहरी किसकी पूंछ पर चढ़ गई, गिलहरी किसकी पूंछ पर चढ़ गई, प्रश्न नंबर 6, पूंछ पर चढ़कर कौन झूलने लगी, पूंछ पर चढ़कर कौन झूलने लगी, प्रश्न नंबर 7, गुदगुदी किसको हुई, गुदगुदी किसको हुई,
प्रश्न नंबर 8, हंसकर कौन बोला? हंसकर कौन बोला? प्रश्न नंबर 9, गिलहरी किसको झूला समझकर झूल रही थी? गिलहरी किसको झूला समझकर झूल रही थी? प्रश्न नंबर 10, पेड़ की डाली पर कौन चढ़ गई? प्रश्न नंबर 11, गिलहरी हंसती हुई कहाँ चढ़ गई? गिलहरी हंसती हुई कहाँ चढ़ गई? बच्चों अच्छे से याद करना है, अच्छे से नोटबुक में नोट करना है, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।